ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे नाम जपे संसार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सभी देशवासियों को, सभी समस्त भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा जी की कृपा सारे संसार पर, सारी दुनिया पर बनी रहे। संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सब में सद्भावना हो, माँ भगवती की कृपा सब पर बनी रहे और पूरी दुनिया में सुख शांति अमन भाईचारा हो और माँ भगवती की कृपा सारे संसार पर हमेशा बनी रहे। मैं माँ भगवती, माँ महाशक्तिशाली, माँ बावे वाली जी से यही प्रार्थना करता हूँ। ये पवित्र नवरात्रों का जो उत्सव है, ये माँ महाशक्तिशाली जगदम्बा जी के इस शक्ति उपासना का पर्व है और माँ शक्तिशाली दुर्गा अष्ट भवानी जी की कृपा इन संसार के सभी प्राणियों पर हमेशा बनी रहे। मैं माँ भगवती जी से यही प्रार्थना करता हूँ। राणा साहब, अक्सर आप देखते हैं कि जब भी कोई दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है तो वीआईपी कल्चर अक्सर अपनाते हैं, लेकिन आपने आज लाइन में लगकर दर्शन किए, उन लोगों को क्या? देखिए, ये श्रद्धा भाव है, अपना अपना भाव है। एक भजन सुनना चाहेंगे? आज पहला नवरात्र है तो एक भजन हो जाएगा। भजन माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी जी के इस पावन नवरात्र महाउत्सव, जो कि शक्ति की उपासना होती है, माँ भगवती जी के 9 स्वरूप हैं और माँ भगवती जगदम्बा जी को नमन करते हुए हम सब माँ की आराधना, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि माँ भगवती जी की कृपा, उनका आशीर्वाद पूरी दुनिया पर बना रहे और सब मिलजुल कर खुशी से रहें। भजन जिसका आपने जिक्र किया है, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे नाम जपे संसार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे दुनिया तेरा नाम जपे संसार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। शुक्रिया आपका सर। और आज इस तरह से हमने सुना कि आपने एक वीआईपी कल्चर को नहीं अपनाया, जबकि आप अपना सकते थे, तो बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद। जय माता की। तो साफ तौर पर आपने देखा कि रविंद्र राणा जी भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिस तरह से 9 दिन नवरात्र के, पूरे 9 दिन जो हैं वो माता के स्वरूप की पूजा होती है, और आपने देखा कि इसमें बहुत से लोग जो हैं वो नवरात्र रखते हैं और जो है भगवान की आराधना करते हैं। अभी हमने जो एक्सक्लूसिव कवरेज आपको दिखाई, रविंद्र राणा जी भी जो है माता बावे वाली की दरबार में पहुंचे थे यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने वीआईपी कल्चर को फॉलो नहीं करते हुए लाइन में लगकर दर्शन किए। तो ये उन लोगों के लिए सीख है जो चाहते हैं कि हम जल्दी से आए, जल्दी से दर्शन करें, पर वो कर सकते थे, ऐसा किया नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, जरूर कहिएगा।